नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबू श्याम सुंदर दास जी की। उससे पहले एज यूजुअल सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपना कीमती समय चैनल के लिए देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी, जिन्हें बाबू साहब भी कहते थे, नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा, कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए। ठीक है, आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि शुक्ल जी इनके बारे में कह रहे हैं कि आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आपकी भाषा की इस विशेषता आपके लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी, फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। ठीक है, आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने में किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का बहुत सा मसाला इकट्ठा करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन हिंदी कोविद रत्नमाला के दो भागों में आपने संग्रहित किए हैं। शिक्षोपयोगी तीन पुस्तकें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की। ठीक है, कुछ अलग इनके बारे में लिखा है। इन्होंने मतलब स्वयं तो लिखा ही है, लेकिन लेखकों के लिए सामग्री भी प्रस्तुत की है। इन्होंने हिंदी की खोज विधान द्वारा हिंदी के साहित्य, इतिहास, कवियों के चरित्र और उनको प्रबंध लिखने का के लिए बहुत सारा मसाला इकट्ठा करा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले लेखक की, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ता के जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का नाम भी बराबर लिया जाता है, पर उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र स्थाई विषयों पर लिखे हुए निबंध हैं। ध्यान रखिएगा, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी के लेखों को मात्र भाषण कहा है। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप ऊपर लिखेंगे गद्यकाल और नीचे लेखक, और उनकी जो एक मेन विशेषता होगी, एक या दो शब्दों या लाइनों में आप लिख सकते हैं, ताकि परीक्षा में आपको दोबारा से, भाई परीक्षा के समय इतनी पूरी बुक का तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो आपको रिवीजन करने में आराम हो। अब बात करते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म जयपुर के एक विख्यात पंडित घराने में 25 आषाढ़ संवत 1940 में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़े के गुलेर नाम के स्थान से जयपुर आए। ठीक है, कांगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे, इसलिए इनके नाम के आगे गुलेर ही लगता था। पंडित चंद्रधर जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति। जीवन के अंतिम वर्षों के पहले ये बराबर अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे, पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज में प्रिंसिपल होकर आए, पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिन संबत 1977 में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे धरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के। गुलेरी जी ने सरस्वती के कुछ ही महीने के पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर एक से समालोचक नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकाला था। उक्त पत्र द्वारा किले गुलेरी जी एक बहुत ही अनोखी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। ऐसा गंभीर और पंडित्यपूर्ण हास जैसा इनके लेखों में रहता था और कहीं देखने में नहीं आया। ध्यान रखिएगा, गुलेरी जी के लेखों में क्या देखने को मिलता था, अत्यंत ही गंभीर, है ना, किस तरह का हास्य देखने को मिलता था, गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास्य, ये इनकी विशेषता है। अब अनेक कूड़ शास्त्री विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती। इसी प्रसंग गर्भत्व
के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पाठकों को ही विशेष लगता था। मतलब क्योंकि बहुत गंभीर हाथ से लिखते थे ये, तो जिसकी जानकारी अच्छी होती थी, जो उनको समझ पाता था, उसी को आनंद भी मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे भूखे विषयों के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे। ये बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है, वो और किसी लेखक में नहीं। ये दूसरी लाइन है जो इनके लिए महत्वपूर्ण। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान की विविध क्षेत्रों से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, गुलेरी जी की किस्मत हास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है। अतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हें ही मिल सकता है जो बहुज्ञ या कम से कम बहुश्रुत इनके कछुआ धर्म और मारिस मोहे कोठाओ नामक लेखों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असत कथा हो रही है, वहाँ पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले और कहीं चला जाए। मनु महाराज ने ना सुनने जो गुरु के कलंक कथा सुनने के पाप से बचने के दो ही उपाय बताए हैं, या तो कान ढककर बैठ जाओ या दुम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय जो और देशों में 100 में 90 आदमियों को ऐसे अवसर पर सूझेगा, वह मनु जी ने नहीं बताया कि जूता लेकर मुक्का तान कर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो कि ऐसी हरकत ना करे। पुराने से पुराने आर्यों की भी अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरिया में रहना चाहते थे, आर्य सप्त सिंधुओं को आर्यावर्त बनाना चाहते थे। आगे चल दिए, पीछे भी दबाते आए। विष्णु ने अग्नि यज्ञपात्र अरुण रखने के लिए 3 गाड़ियां बनाई। उनकी पत्नी ने उनके पहियों की चूर को घी से आंज दिया। उखल मूसल और सोम फूटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए कारवां मुंजवत हिंद पुष्प के एकमात्र दर्रे खैबर से में होकर सिंधु की एक घाटी से में उतरा। पीछे से श्वान ध्वज अंभारी बम्भारी हस्त सुहस्त प्रशन संग मर्ग मारते चले आते थे। वज्र की मार से पिछली गाड़ी भी आदि फूट गई, पर 3 लंबे टक मारने वाले विष्णु ने पीछे फिर ना देखा और जमकर मैदान दिया। पितृभूमि अपने भातृव्यों के पास छोड़ आए और वहां भातृ व्यस्त बाधाए देवताओं को ही आहुति देने लगे। जहां जहां रास्ते में टिके थे वहां वहां स्तूप खड़े हो गए। जहां की सुजला सुफला सस्य श्यामला भूमि में ये बुलबुले चहकने लगे। पर ईरान के अंगूरों और फूलों का यानी मुंजवत पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ा हुआ था। लेने जाते तो वे पुराने गर्भ मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई कोई उस समय का छिलकौआ नकद नारायण देकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते। उस समय का 1 सिक्का पौवे थी। जैसे आजकल लखपति करोड़पति कहलाते हैं, तब शतगु सहस्त्रगु कहलाते। ये दमड़ी मल के पोते करोड़ी मल अपने नगवा दशकवा पितरों से शर्माते ना थे, आदर से उन्हें याद करते। आजकल की मेवा बेचने वाले पेशावरियों की तरह कोई कोई सरहदी यहाँ पर भी सोम बेचने चले आते थे। कोई आर्य सीमा प्रांत में जाकर भी ले आया करते थे। मोल ठहरने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसे कि तरकारियों का भाव करने में कुंजड़नों से हुआ करती है। ये कहते कि एक गांव की एक कला में सोम बेच दो, वे कहता वाह सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गांव के कुंड बखानते, जैसे बुद्धे चौबची अपने कंधों पर चढ़ी बाल वधू के लिए कहा था कि याही में बेटा और याही में बेटी। वैसे भी ये कहते हैं कि इस गौ से दूध होता है,
मक्खन होता है, दही होता है, यह होता है, वह होता है, पर काबली गाय को मारता। उसके पास सोम की मनोपली थी और इसका बिना लिए सतरा नहीं सरता नहीं। अंत में तो की एक पात अर्धा होते होते दाम तय हो जाता। पूरी आंखों वाली एक बरस की बछिया में सोम राजा खरीद लिए जाते, गाड़ी में भरकर सांग से लाए जाते। अच्छा, अब उसी पंचनद में वही गाकर बसे। अश्व घोष की फड़फड़ाती उपमा के अनुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भाग। अब ब्रह्मावर्त ब्रह्मर्षि देश और आर्यावर्त की महिमा हो गई और वह पुराना देश न तत्रा दिवसम बसे। बहुत वर्ष पीछे की बात, समुद्र पार के देशों में और धर्म पक्के हो चले। वे लौटते मारते थे कि बेधर्म भी कर देते थे, बस समुद्र यात्रा बंद। यहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्म हत्या मिटती थी और कहा नाव के जाने वाले द्विज का प्रायश्चित कराकर संग्रह पर वही कछुआ धर्म थाल के अंदर बैठे रहो। कछुआ का क्या धर्म होता है? थाल के अंदर बैठे रहो। किसी बात का टोटा ना होने पर भी उसे पूरे करने की इच्छा होती थी, तो होने पर उसे मिटाना चाहते। ये स्वभाव संसार में त्रिविधा दुख दिखाई पड़ने लगे। उन्हें मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे, भ्रष्ट उपाय थे, उनसे संतोष ना हुआ तो सुने सुनाए उपाय किए गए, उनसे भी ना मन भरा। सांख्यों के काट कड़ी गिन गिन कर उपाय निकाला। बुद्ध ने योग को पक कर उपाय खोजा। किसी ना किसी तरह कोई ना उपाय कोई उपाय मिलता गया। कछुओं ने सोचा चोर को क्या मारे, चोर की माँ को ही ना मारे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगी प्रार्थनाएं होने, माँ दे ही राम जननी जठरे निवासक। और यह उस देश में जहाँ सूर्य का उदय होने होना इतना मनोहर था कि ऋषियों को ये कहते तालु फूकता था कि 100 बरस इसे हम उगता देखें, 100 बरस सुने, 100 बरस बढ़ कर बोले, 100 बरस आदीन होकर है कि या हरणाक्ष दोनों में से किसी एक दैत्य ने देव बहुत तंग सुरपुर में अफवाह पहुंचे। बस इंद्र ने छटपट किमाड़ पर कर आगल डाल दी। मानो अमरावती ने आंखें बंद कर ली। यह कछुआ धर्म का भाई शुतुरमुर्ग धर्म है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपको समझ नहीं आया होगा लेकिन था बड़ा सरल। जिसने मतलब पहले की कहानियां सुन रखी होंगी या जिसको पता होगा उसको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारे यहाँ पूंजी शब्दों की है जिससे हमें काम पड़ा और चाहे और बातों में हम ठगे गए पर हमारी शब्दों की गांठ नहीं कतरी गई। और बातों में तो लोग हमको ठग के ले गए लेकिन जो हमारे शब्द घटी थी वो कहीं कम नहीं हुई, उसमें हम नहीं ठग गए। यही नहीं, जो आया उससे हमने कुछ ले लिया। पहले हमें काम असुरों से पड़ा, असीरिया वालों से। उनके यहाँ असुर शब्द बड़ी शान का था। असुर माने प्राण वाला, जबरदस्त। हमारे इंद्र की भी यही उपाधि हुई। पीछे चाहे शब्द का बुरा हो गया। पारस के पारसियों से काम पड़ा तो वे अपने सूबेदारों की उपाधि छत्रा पावर या महाछत्रा हमारे यहाँ रख गए और विस्तास्क के वजन के प्रसास आदि ऋषियों और राजाओं के नाम देते। यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वह यवन की स्त्री यवनी तो नहीं पर यवन की लिपि यवनानी शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर गए। साथ ही 12 राशियां मेष वृक मिथुन आदि भी यहाँ पहुंचा गए। पुराने ग्रंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम आर तार चितुम आदि ही काम में लाते। 12 मेर की स्त्री खना
चाहे यवनी रही हो या ना रही हो, उन्हें यादा से कहा जाता है कि मलेच्छ यवन भी ज्योतिष शास्त्र जानने के लिए ऋषि की तरह पूजे जाते हैं। अब चाहे वैल्यूएबल सिस्टम भी वेद में निकाला जाए, पर पुराने हिंदू कृतज्ञ और गुरुमार था। यवन राजाओं की उपाधि सीतर अवतार के रूप में लेकर हमारे राजाओं के यहाँ आ गए। सकों के हमले हुए तो सार्क पार्थिव व्याकरणों के हाथ लगा और सक संवत या साका सर्वसाधारण पंच अक्षास नदी के किनारे पर यहाँ चढ़ आए तो कवियों को नारंगी की उपमा मिली कि ताजे मुड़े हुए हूणों की खुबी की सी नारंग। बकौल शेक्सपियर के जो मेरा ध्यान छीनता है वह कूड़ा चुराता, पर जो मेरा नाम चुराता है वह सितम खाता। आर्य समाज ने मन स्थल पर वह मार की है कि कुछ कहा नहीं जाता। हमारी ऐसी छोटी बकरी है किसी नीचा कर दिया, औरों ने तो गांठ का कुछ ना कुछ किया, पर इन्होंने अच्छे अच्छे शब्द छीन लिए। इसे कहते हैं मारे से मोह उठाओ। अच्छे अच्छे पद तो यूं सफाई से ले लिए गए हैं कि इस पुरानी जमी हुई दुकान का दिवाला निकल गया, देने के देने पड़ गए। हम अपने को आर्य नहीं कहते, हिंदू कहते हैं। और तो क्या, नमस्ते का वैदिक ठिकरा हाथ से गया। चाहे जयराम जी की कह लो या जय कृष्ण जी की, नमस्ते मत कह बैठना। ओंकार बड़ा मांगलिक शब्द है। कहते हैं कि पहले यह ब्रह्मा के कंठ फाड़ कर निकला था। इसी द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निबंध लेखकों के नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जिनके लेखों की भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा से उद्दीप्त नूतन भाव भंगिमा के दर्शन। चलिए उनके बारे में जान ले। पहले हैं अध्यापक पूर्णसी, ठीक है। सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। उनके तीन चार निबंध ही उक्त पुस्तिका में निकले। उनमें विचारों और भावों को एक अनोखे ढंग से मिश्रित करने वाली नई शैली बनी। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी, ठीक है। ये अलाइनमेंट की इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण सिंह की लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान उनके बहुत कुछ सख्त लाक्षणिकता में देखी जा सकती। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। यूरोप के क्षेत्र जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता किसानों और मजदूरों की महत्व भावना की जो लहर उनमें वे बहुत दूर तक है। उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही आएंगे, यद्यपि उनकी ये क्षीण विचारधारा स्पष्ट लक्ष्य है। इस समय उनके तीन निबंध हमारे सामने हैं, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची गीता। यहाँ उनके निबंधों के कुछ उदाहरण आज से उद्धृत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आचरण की सभ्यता। पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा बाहरी सभ्यता की अंतर्विलीन आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि प्राप्त न होता यदि धन को एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी कितने कमीने न बने। यदि सारे पूर्वी जगत ने इस महत्ता के अपनी शक्ति से अधिक चंदा देकर सहायता की तो बिगड़ क्या गया। एक तरफ जहाँ यूरोप के जीवन का एक अंश अभ्यस्त प्रतीत होता है, कमीना और कायरता से भरा मालूम होता है, वहीं दूसरी ओर यूरोप का जीवन का वह भाग जहाँ विद्या और ज्ञान का सूर्य चमक रहा है इतना महान है कि थोड़े ही समय पहले अंश को मनुष्य अवश्य ही भूल जाएंगे। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला, उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक ना आध्यात्मिक।
जब पैगंबर मोहम्मद ने ब्राह्मणों को चीरा और उनके मौन आचरण को नंगा किया, तब सारे मुसलमानों को आश्चर्य हुआ कि काफिर के मोमिन किस प्रकार गुप्त। जब शिव ने अपने हाथों से ईसा के शब्दों को परे फेंका तो उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए तो हिंदू चकित हो गए कि वह नग्न करने अथवा नग्न होने वाला उनका कौन सा शिव था। चलिए अब दूसरे की देख लेते हैं, मजदूरियों पे एक उदाहरण। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु संन्यास हल कुदाल और खरपा लेकर मजदूरी ना करेंगे, तब तक उनका मन और उनके बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहे। उनका चिंतन वासी, उनका ध्यान वासी, उनकी पुस्तकें ब्याज वासी, उनका विश्वास वासी और उनका खुदा की वासी हो गया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दूसरों की, जिनका नाम है बाबू गुलाब राय। इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाब राय एमए एलएलबी। उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध बहुत थोड़े बहुत लिखे, जैसे रक्त काव्य संबंधी रोग निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों। फिर निराशा क्यों एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे अभ्यासपूर्ण निबंध हैं, जिसमें से एक कुरूपता जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जा रहा है। और तो इनके बारे में कुछ खास नहीं दिया गया है, ये याद रखिएगा, फिर निराशा क्यों का एक अंश कुरूपता है। चलिए उदाहरण पढ़ते हैं। सौंदर्य की उपासना करना उचित है सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता, घृणास्पद और निंदनीय है। नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर। सुंदर पदार्थ अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मानते हैं, किंतु असुंदर पदार्थ स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। अंधे में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। सत्ता सागर में दोनों की ही स्थिति है, दोनों का ही एक तारतम्य में बंधे हुए, दोनों ही एक दूसरे में परिणित होते रहते हैं। फिर कुरूपता घृणा का विषय, रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा है जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए बैठे। सुंदर वस्तु को भी इसी कारण सुंदर कहते हैं कि हम अपने आदर्श की उसमें हम अपने आदर्श की झलक देते हैं। आत्मा की सुविस्तृत और सौंदर्यपूर्ण हो जाने पर सुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। उसमें कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान नहीं कहती। इसका यही कारण है कि वह अपने पुत्र में अपने को ही देख। जब हम सारे संसार में अपने आप को ही देखेंगे तब हमको कुरूपवान ही रूपवान दिखाई देगा। निबंध का ये प्रसंग यही समाप्त होता है। खेद है कि समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले जिनमें बहुत चुस्त भाषा के भीतर एक पूर्ण अर्थ परंपरा कसी हो, अधिक लेखक हमें नहीं मिले। निबंध लेखक थोड़ा सा विरोध थे ना समझ, थोड़ा सा। चलिए इसके बाद आती है समालोचना। समालोचना चलिए समालोचना की शुरुआत हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि समालोचना को अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।